पूरा मट्टी का अंश है, बड़ा बड़ा ढीका मिला, उसका वीडियो भी हम बनाए हुए हैं। लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर रोकने का भी काम करता है तो यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि रेलवे का काम है। अगर रेलवे का काम में जो रेलवे का हवाला दिया जाता है, केस करने का धमकी देता है, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, यहाँ के लोगों को डराया जाता है, ये बात मैं भी जानता हूँ। हमें भी धमकी मिला है कि अगर ऐसा हम लोगों का काम में किसी किस्म का बाधा पहुँचाया तो उन लोगों के ऊपर में रंगदारी का केस डाला जाएगा। अगर आम जनता अच्छा काम करने के लिए बोल रहा है तो इसमें बुराई क्या है? आप अच्छा काम करो, आपको कोई भी नहीं टोकेगा। लेकिन ये लोग जो है इल्जाम लगा देता है लोगों के ऊपर कि भाई ये लोग रंगदारी मांग रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। यहाँ जबकि वैसा कोई बात नहीं है, यहाँ के सीधे सपाट लोग हैं। यहाँ पर इन लोगों का फायदा उठाते हुए ये लोग बहुत ही गलत तरीके से काम कर रहे हैं। यहाँ रेलवे के द्वारा जो मुंशी रखा गया कादिर, जो अपना ग्राम नाम पता बिशनपुर बताया, जब उनसे बात किए तो उन्होंने कहा कि इस बालू का हम लोग अपना लैब में टेस्ट करते हैं, तो इस तरह का मिट्टी वाला बालू कौन सा लैब में जाता है, हम लोग भी अपना लैब में भेजेंगे, इसको जांच कराया जाएगा इस बालू का पूरा। यानी कि धड़ल्ले से दो नंबर काम हो रहा है, इस बात को मानते हैं ना? या भविष्य में चलकर बहुत बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है, या बीबीगंज बाईपास रोड है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? कैसा बालू है? बालू आप देखे ना, आप खुद मिस्त्री भी रह चुके हैं, बहुत बड़का मिस्त्री है आप। बोलिए कैसा बालू? तो दब है, दब बालू है ना, लोकल बालू है, मिट्टी वाला बालू है। इस तरह का बालू हम लोग अपना घर में भी यूज नहीं करते हैं। अरे मानंदा का बालू है, ऐसा है, बोलिए आप। मानंदा का बालू, मानंदा नहीं, महागंडा बालू है, बजरवाड़ी भी है। ये जो ट्रक लगी हुई है आपका, इससे बढ़िया बालू तो हमारा नदी में यहाँ है, इससे बढ़िया बालू है यहाँ, इससे कहीं ज्यादा खराब बालू वहाँ जो ढेरी लगा हुआ है, पूरा मिट्टी मिला हुआ है। इससे बढ़िया बालू हम लोग घर के बगल में नदी में है, हम नहीं देखे हैं भैया। ये जो है ये अभी सामने दिखाया जी, ट्रक दिखाइए, ट्रक, ये ट्रक ओवरलोडिंग ट्रक है। एक तो पैकेट रोड में लाके रोड का स्थिति ये लोग खराब कर दिया, और दूसरी बात कि बालू का स्तर इसमें इतना घटिया स्तर का बालू है कि आदमी कोई अपना मकान में भी नहीं, इंदिरा आवास में भी नहीं लगाएगा, नहीं लगाएगा। ऐसे बालू से ये लोग जो है यहाँ रेलवे में काम भी ग्रामीण एकत्रित हुए हैं जो इस ट्रक को रोकने का विरोध करते हैं। हम यहाँ के स्थानीय राकेश कुमार दास जी से बात करेंगे। राकेश भैया बताइए, जो ट्रक लगा हुआ आपके सामने में, तो क्या है, किस तरह का बालू है इसमें? ये तो बालू बहुत ही घटिया स्तर का है, कोई अपना मकान में भी नहीं लगाया। हमें अफसोस है इस बात के कि यहाँ के पदाधिकारी जो जिम्मेवार लोग हैं उन लोगों को ये बात सोचना चाहिए कि यहाँ रेलवे का जो काम हो रहा है, रेलवे का काम में इसका गुणस्तर को देखना चाहिए। इतना घटिया बालू कैसे करके प्रयोग किया जाता है? अभी हमने जाके वो जो ढेरी